नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो ये शाम का मौसम हमारा एकदम सुहाना, थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, उसके बाद जस्ट धूप निकली है। तो उससे पहले भी हो रही थी, उसमें मैंने वीडियो बनाई नहीं, उसमें शाव का ब्याह हो रहा था। मतलब धूप और बारिश एक साथ आती है तो उसको बोलते हैं शाव का भाई। ये इतना पुराना पेड़ है, मतलब बहुत साल पुराना। ये मंदिर है हमारा एक पुराना कुलदेवता का, छुरमल थान मतलब, और एक साइड मंदिर है। ये हमारे गांव की नदी अब पूरी सूख गई अभी, क्योंकि ठंड का टाइम है तो ठंड में बारिश आती नहीं। जिस 2012 में इस पुलिया के ऊपर से पानी बह के जा रहा था, सोच लो ऊपर तक बारिश आ गई थी। ये हमारे धान गेहूँ सॉरी, यह सुबह का एकदम ठंडा मौसम, डिग्री 6 से लेकर 10 तक। और ये भी जस्ट चाय थी सुबह सुबह, मज़ा आ गया। तो उसके बाद अब जाता हूँ नीचे को, थोड़ा नीचे जाके वहाँ का व्यूज दिखाऊंगा आप लोगों को, देखने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलता हूँ नीचे को, कोई जाके आगे के व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। कितना ठंडा है, सबसे बड़ा क्या नहीं कहते। हेलो दोस्तों, देख रहे हो ठंड कितनी बढ़ गई, खतरनाक। 6 से लेके 12 टेम्परेचर तक है मौसम, पूरा कोहरा लग गया फिलहाल। अभी एक वो दौड़ रहा था, मेरे को बोला दौड़ करके, मैं दौड़ा नहीं उसके साथ, कुछ दिख नहीं रहा। बस 500 मीटर तक दिख रहा है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, इस साइड को थोड़ा दिख रहा है। तो एकदम गंभीर मौसम, हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, तो हम भी बढ़िया है। तो हम आज गांव से जा रहे हैं शहर को दोबारा भी। आज मौसम, कल आज बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, मतलब थोड़ी तेज़ बारिश तो नहीं थी, हल्की हल्की थी, लेकिन जो ठंड है मतलब जितनी थी, मतलब क्या तुषार पड़ता है, मतलब जो ठंड में तुषार आज तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन ठंड जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रात से कल शाम से ही बारिश हो रही है इधर। मौसम आप देख सकते हो कितना खतरनाक हो गया, आप बता भी नहीं सकता। अभी थोड़ा जो हॉल लग रहा है, मतलब कोहरा मतलब कम हो गया, पहले अभी कुछ ज़्यादा ही था। सुबह उठा था तो उसमें कोहरा कम था, लेकिन अभी थोड़ी देर फिर बढ़ गया, अभी और कम हो गया। देखता अभी थोड़ी देर बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम भी जा रहे हैं यहाँ से जयपुर, सफ़र होके खतरनाक हालत हो जाएगी। नहाने का भी था अभी कल, इसलिए कल रात ही नहा लिया मैंने, उससे सुबह ज़्यादा ठंडा हो जाएगी तो फिर नहा नहीं पाऊँगा। फिर रात को नहा के अभी रात में धो के दोबारा कपड़े पहन के चलूँगा, देखता हूँ। लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा कि ठंड के हिसाब से, इतने दिनों से मेरा मन था जाने का, धूप आ रही थी सही, लेकिन आज मौसम इतना ख़तरनाक हो गया, पता नहीं रास्ते में और जगह बारिश होगी, कितना ठंडा होगा, क्या होगा पता नहीं। पहले मेरा काम कोई दूसरी जगह है, वहाँ पर जाऊँगा, इसलिए थोड़ा घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, आधा एक घंटा। मौसम ठंडा है काफ़ी, मैं क्या बताऊँ, अभी कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन जाना है मतलब तो जाना है। एक जो होता है मतलब कि लड़कों को, मतलब लड़कों की बात अलग है, औरों की बात अलग होती है। जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो, और ये बर्फ भी पड़ जाए फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की टिकट जो है बन गई आज की डेट पे। तो आज 8 बजे तक मुझे वहाँ काठगोदाम हल्द्वानी पहुँचना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं पहुँच सकूँ तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन अब ऐसा कुछ खास रीज़न तो है नहीं, तो नहीं जा सकते। ठंड ही है, ऐसे गाड़ी में बैठ के जाना है, कुछ तो और होगा नहीं। और अपने घर वाले रहते थे, आज घर में भी हमारे मम्मी और बहनी है, मेरे भाभी जो और लोग होते हैं, तो कुछ कोई भी है भी नहीं अभी। तो मतलब जब जाते समय थोड़ा मिलजुल के जा रहा थी, इसलिए हो गई है शादी अपनी बहन के साथ में, तो चाचा की लड़की है उनकी। वैसे मैं भी जाने वाला था, लेकिन मैं पहले जाके आ गया, अब दो बार क्या करूँगा, इसलिए तो मैं निकल रहा हूँ। चलते हैं इस ब्लॉग में, देखेंगे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। ठंडी तो मिलेगी, उसके अलावा पता नहीं क्या मिलेगा। जो ठंड में महसूस कर रहा हूँ, शायद आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते, कुछ खास बता नहीं सकता मतलब। Thank you.
दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कितना ठंडा है, मतलब यहाँ मेरे से बोला नहीं जा रहा, मतलब वीडियो हाथ काँप रहे में वीडियो बनाने से, बहुत ठंडा है, मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, नींद भी लग रही है, और मतलब ठंड में होता है ना एक प्रकार से, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। बस आज की वीडियो फिर यही तक, फिर यहाँ से आगे कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।